जिला मुख्यालय धर्मशाला में स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट रोड का कार्य शुरू हो गया है। स्मार्ट रोड का निर्माण स्कूल शिक्षा बोर्ड मुख्यालय से कोतवाली बाजार तक किया जाना है। इसके लिए जो टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई है उसमें स्मार्ट रोड को 15 माह के भीतर पूरा करने का टारगेट फिक्स किया गया है। लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट रोड का निर्माण किया जाना है। यही नहीं, स्मार्ट रोड के साथ फुटपाथ भी बनेगा, जहां लोगों के बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था रहेगी। इसके अतिरिक्त शहर में जहां ट्रैफिक कंजेक्शन ज्यादा है, वहां पर सबवे और बनवे का भी प्रावधान किया गया है। नगर निगम धर्मशाला के मेयर देवेंद्र जग्गी ने कहा कि स्मार्ट सिटी में स्मार्ट रोड का कार्य शुरू हो गया है। 18 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल शिक्षा बोर्ड मुख्यालय से कोतवाली बाजार तक स्मार्ट रोड बनाया जाएगा। धर्मशाला अस्पताल के पास ट्रैफिक कंजेक्शन ज्यादा है, लोगों को दिक्कत होती है, वहां पर सबवे का भी प्रावधान किया गया है। कचहरी अड्डा से नीचे सेंटर पॉइंट के पीछे वनवे का प्रावधान रखा गया है। स्मार्ट रोड किनारे फुटपाथ बनेंगे, जहां लोगों को बैठने के लिए फर्नीचर भी लगाया जाएगा। बिजली की तारों को भी इसी प्रोजेक्ट के तहत अंडरग्राउंड करने की प्रपोजल है। छोटे छोटे बस शेल्टर भी बनाए जाएंगे। स्मार्ट सिटी का जो स्मार्ट रोड जो है उस पर अभी हमारा काम शुरू हो गया है इससे, और ये लगभग 18 करोड़ का टेंडर था। ये एजुकेशन बोर्ड से लेके कोतवाली बाजार तक इसको बनाया जाएगा, और इसमें बीच में जो प्रोविज़न है, जैसे हॉस्पिटल के पास ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा है, लोगों को क्रॉस होने में मुश्किल होती है, तो उसमें सबवे का प्रोविज़न हमने वहाँ पर रखा है। और कहीं जैसे कचहरी अड्डा, उससे नीचे जो हमारा सेंटर पॉइंट से बैक साइड की बिल्डिंग है, उसको हमने वन वे का उसमें प्रोविज़न रखा हुआ। रोड साइड जो फर्नीचर लगेगा इसमें, फुटपाथ बनेगा, तो लगभग ये 18.5 करोड़ का टेंडर हमने लगाया। इसमें जो हमारी केवल जो बिजली की जो तारें हैं वो सारी अंडरग्राउंड होंगी, और जो फुटपाथ के साथ फर्नीचर रखा जाएगा जिसमें लोगों को बैठने की सुविधा दी जाएगी। छोटे छोटे बस शेल्टर भी उसमें बनाए जाएंगे। देखिए, उसमें जो टेंडर डॉक्यूमेंट है उसमें तो 15 महीने का टाइम उसमें दिया गया है, लेकिन फील्ड पे कितना चलता है उसके हिसाब से देखा।